ACL टियर को बिना सर्जरी के कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों घर बैठे बैठे, वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर। अगर आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए और फेल हो गए मिजरेबली, ठीक ही नहीं हो रहा, उसके बाद भी ये ट्रीटमेंट बहुत सारे ACL टियर्स में 100% काम करता है। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थरोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थोस्पोर्ट। सो दोस्तों, ये जो ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज शेड्यूल है, ये मैंने और मेरी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी टीम ने मिलकर बनाया है और इसमें बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत सारे ACL टियर्स को हील कर सकती है। हील योर ACL विदाउट सर्जरी। आई एम डॉक्टर मानसी गुलाटी, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट एट टीम ऑर्थोस्पोर्ट, एंड ये हमने आपके लिए स्पेशली कोर्स बनाया है जिनको पार्शियल ACL टेयर है, ACL स्प्रेन है, वो इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करके अपने ACL इंजरी के बाद आए हुए सिम्टम्स को अंडर कंट्रोल ला सकते हैं, एंड विद इवेंचुअल एक्सरसाइजेस एंड फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन आप अपनी सर्जरी की नीड को भी अवॉइड कर सकते हैं। वेटेड स्प्लिट स्क्वाट्स करने के लिए आपका जो अनइफेक्टेड लेग है वो पीछे आप किसी बेंच या स्टूल पर रख सकते हो। दोनों हाथ में आपको इक्वल वेट लेना है, आगे इफेक्टेड लेग को रखना है, घुटने को पंजे की तरफ पुश करते हुए स्क्वाट करना है और फिर ऊपर आना है। 10 reps 2 sets। बैंडेड हिंज स्क्वाट करने के लिए आपको एक हाई रेजिस्टेंस का थेराबैंड लेना है। आपको पंजे को कंधे के आउटर विथ के अकॉर्डिंग खोलना है, पैरों के जो पंजे हैं वो सीधे होने चाहिए, आपको बैंड को नीचे से ऊपर उठाना है, कमर सीधी होनी चाहिए एंड देन बैंड को ढीला छोड़ते हुए स्क्वाट करना है। RTL स्लाइडर करने के लिए आपको अपने इफेक्टेड लेग के घुटने को हल्का सा बेंड करते हुए आपको झुकना है, नीचे टच करने की कोशिश करनी है हाथ को और उसके बाद वापस ऊपर आना है। इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए आप हाथ में केटलबेल या वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 reps 2 sets। स्क्वाट करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों के बीच का डिफरेंस कंधे की चौड़ाई के बराबर रखना है, घुटने को पंजे की तरफ पुश करते हुए स्पीड में आपको स्क्वाट करना है जितना नीचे आप स्क्वाट कर सकते हो और फिर आपको स्लो स्लो ऊपर आना है। 10 reps 2 sets। बोजू स्टेबिलिटी के लिए आपको दोनों पैरों से बोजू बॉल पे खड़े होना है, दोनों पैरों के बीच में हल्का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए घुटने को पंजे की तरफ पुश करते हुए हल्का स्क्वाट करना है, हाथ कमर पे होने चाहिए, किसी को बोलना है कि बोजू को वर्टिब्रेट करे और आपको बैलेंस करना है। फॉरवर्ड रन करने के लिए आपको 2 cones का इस्तेमाल करना है, इस तरह से दोनों कोन के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, पीछे वाले कोन से आगे वाले कोन की तरफ भागते हुए आना है और लंच पोजीशन में रुकना है और दोबारा पीछे जाना है। सिंगल लेग हील रेज करने के लिए आपको अपने इफेक्टेड लेग पे खड़े होना है, आपके पंजे सीधे होने चाहिए। आप इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए वेट या रॉड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको पूरा अपने एड़ी को ऊपर उठाना है, यानी पूरा पंजे पर आना है और उसके बाद वापस नीचे। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे।